हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। गाइस, हमने रोमन रेंस को WWE में लास्ट देखा था 22 अक्टूबर 2018 की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जहां पर उन्होंने कहा था कि उन्हें ल्यूकेमिया है, जिसके वजह से उन्हें WWE से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमें रोमन रेंस अमेरिकन फुटबॉल गेम में देखने को मिले, बट WWE में नहीं। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे पास रोमन रेंस को लेकर ऐसी न्यूज है जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको इस मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप, इसके अलावा जॉन सीना के मैचेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए देखते हैं। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। सो गाइस, पिछले वीक के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 2.493 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस वीक की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें उतना कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके वजह से इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप रही 2.368 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस, ये व्यूअरशिप मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री की सेकेंड लोएस्ट व्यूअरशिप है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या WWE अपने रॉ के स्टोरी लाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट करती है या फिर नहीं। सो गाइस, ये तो थी इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। अब बात कर लेते हैं जॉन सीना के लाइव इवेंट्स के मैचेस के बारे में। गाइस जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें 29 दिसंबर 2018 के लाइव इवेंट में जॉन सीना एक टैग टीम मैच में देखने को मिलेंगे, जहां पर उनके टैग टीम पार्टनर होंगे रे मिस्टीरियो और वो फेस करेंगे दी वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड शिंस्के नाकामुरा का। लेकिन गाइस 27, 28 और 30 दिसंबर को जहां पर लाइव इवेंट होने वाला है, वहां पर एडवर्टाइज किया जा रहा है कि हमें जॉन सीना फेस करते हुए दिखने वाले है द मिस को। यानी कि इन तीन डेट्स में हमें जॉन सीना फेस करते हुए दिखने वाले हैं द मिच को। इसके अलावा गाइस, अगर आप सबको नहीं पता कि हमें जॉन सीना लाइव इवेंट्स में कौन कौन से डेट्स में देखने को मिलने वाले हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। गाइस अब बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े र्यूमर के बारे में, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। सो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी बैरन कॉर्बिन है रॉ के एक्टिंग जनरल मैनेजर। लेकिन अब बैरन कॉर्बिन के डिसीजंस को देखकर लग रहा है कि बैरन कॉर्बिन बहुत जल्द ही जनरल मैनेजर के पोस्ट से हटने वाले हैं। इसलिए गाइस अब ऐसे र्यूमर्स आने लगे हैं कि हमें रॉ के न्यू जनरल मैनेजर और कोई नहीं बल्कि द बिग डॉग रोमन रेंस बनते हुए दिख सकते हैं। गाइस ये र्यूमर इसलिए निकल कर आई है क्योंकि रोमन रेंस के जाने से हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड और WWE के पेपरव्यू में नुकसान देखने को मिल रही है। लेकिन अगर रोमन रेंस एज अ जनरल मैनेजर रहते हैं तो WWE के व्यूअरशिप में डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन गाइस अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि रोमन रेंस हमें रॉ के जनरल मैनेजर बनते हुए दिखने वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि WWE कभी भी शॉर्ट टाइम का सोच कर नहीं चलती है, वो हमेशा बहुत आगे की सोच कर चलती है। इसलिए अगर रोमन रेंस एज अ जनरल मैनेजर WWE में आते हैं और उसके कुछ महीने बाद अगर वो रेसलिंग शुरू करते हैं, तब उन्हें फैंस की तरफ से ऐसा सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि वो एज अ रेसलर आते हैं। यानी कि अगर रोमन रेंस रेसलर के रूप में आते हैं तो उन्हें काफी तगड़ा पुश मिलने वाला है, जो हम सब देखना चाहते भी है। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि आप सब रोमन रेंस का रिटर्न एक जनरल मैनेजर के रूप में देखना चाहते हैं या फिर एक रेसलर के रूप में। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।